प्रो बनने की टिप के लिए आपको सबसे पहले भूल कर भी ऐसी बंदूकें ना चुने जैसे कि वुडपैकर, हेडशॉट गन बिल्कुल ना चुने। आप चूज कर सकते हैं SMG बंदूकें। शुरुआत में आप न्यू हो ना पीसी में, तो आपको SMG या शॉटगन में से कोई सी बंदूकें चूज करनी है, और हेडशॉट वाली मत करना चूज अभी शुरुआत में, क्योंकि पहले आपको कंट्रोल भापने होंगे सारे कि कौन सा कंट्रोल कैसे वर्क करता है, फिर जाके आप कुछ कर पाओगे। और किस में खेलना है, आप किस एमुलेटर से खेलो, मैं तो अभी खेल रहा हूँ गूगल प्ले गेम्स बीटा से। आप चाहो तो आप ब्लू स्टैक्स भी खेल सकते हो, ब्लू स्टैक्स भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा खेला जाता है, उसमें आप मैक्रो लगा सकते हो और इसमें नहीं। मैं तो इसी की आदत है, मुझे तो इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगा तो मैं इसे खेल रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है और ब्लू स्टैक में मुझे नहीं आया इतना मज़ा। ब्लू स्टैक वैसे ठीक ही है बिगिनर्स के लिए, वो ठीक है, ये भी ठीक है गूगल प्ले गेम्स बीटा, लेकिन ठीक है ये दोनों, आपकी मर्जी। पहले आप दोनों में टेस्ट करना कि आप कहाँ से कर सकते हो। ब्लू स्टैक्स तो bluestack.org से मिल जाएंगे, और गूगल प्ले गेम्स बीटा का भी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, जुगाड़ कैसे करना है डाउनलोड। तो अब आई मेन चीज़, आपको कैसे करनी है MP5 से। आप पहले कंट्रोल भापने होंगे कि कैसे मारना है MP5 या SMG बंदूक है, जैसे कि रुको मैं करके दिखाता हूँ। इसकी जगह मैं ले लेता हूँ P90, अभी के लिए मैं P90 ले रहा हूँ। देखो कैसे हेडशॉट लग रहा है, क्योंकि मैंने शुरुआत में इन्हीं से प्रैक्टिस करी थी, तभी तो इतने डेंजरस हेडशॉट मार पा रहा हूँ मैं। P90 भी अच्छी बंदूक है, P90 बिगिनर फ्रेंडली तो, लेकिन P90 ही है। हाँ, अगर आपको अच्छा प्रो प्लेयर बनना है तो आपको कंट्रोल भापने के लिए P90 बेस्ट है, और अगर P90 ना मिले तो MP5 ले लो। और आपको ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप BR रैंक या CS रैंक में, हाँ दोनों काफ़ी है। तो अगर आप BR खेल रहे हैं तो बिल्कुल भी रश गेम प्ले नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या लेना है आपको, लेने हैं राइफल, बता दूँ मैं, अगर आपको राइफल से करनी है प्रैक्टिस तो ऐसी बंदूकें मत लेना। आप ले सकते हो ग्रोजा, XM8, पराफल, ये तीन है बहुत अच्छी बंदूकें हैं पराफल से, क्योंकि देखो 48 का डैमेज मिल रहा है ऑन टारगेट स्टेटिक डैमेज बेसिस। रुको मैं अभी इसका करके दिखाऊँ, देखो इससे 48 का डैमेज मिल रहा है, और अभी मैं उससे करके दिखाता हूँ XM8 से। ये रही XM8 से भी ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन XM8 हेडशॉट मारने में काम आएगी, और ये ठीक ठाक है, ये भी बढ़िया है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर राइफल में ट्रेनिंग करनी है तो बिगिनर फ्रेंडली बंदूकें चूज करो, और 2x स्कोप में करो। 2x स्कोप XM8 में मिल जाएगा डेफिनेटली। तो XM8 कहाँ गई वो बंदूक, अरे कहाँ गई, क्या बता रहा था, नहीं यानी XM8 पराफल और कहाँ गई, यही कही थी ग्रोजा, हाँ ग्रोजा। और आप स्कार भी यूज़ कर सकते हो अगर उसमें 3 चिप लगी हुई हो, या 2 चिप से भी काम हो जाएगा, 3 चिप 2 चिप का इतना फ़र्क तो है नहीं वैसे। और अगर आपको शॉर्ट गन से करनी है तो शॉर्ट गन में मैं बता देता हूँ, अभी M1887 मत लो, मैं कह रहा हूँ अभी मत लो M1887 शुरुआत में, M10 ले लो अभी शुरुआत के दिनों में, और ट्रोगोन ऐसी टाइप की बंदूकें, ना स्पास ना M1887। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ऐसी स्पास बंदूकें आप फिर चला सकते हैं आराम से, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना पहले आपको कंट्रोल जानने पड़ेंगे इनके। यहाँ गूगल प्ले गेम्स में तो यहाँ मिल जाएंगे कंट्रोल्स, कहाँ गया हूँ, कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, हाँ लॉबी में मिलता है कीबोर्ड का ऑप्शन। और अगर आपको और भी बंदूकें बता देता हूँ मैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना 5-6 दिनों तक, पहले थोड़े से हाथ बिठा लो फिर आराम से सारी बंदूकें चला लोगे आप। MP40 भी चला सकते हो, ये भी बिल्कुल अच्छी बंदूक है हेडशॉट कनेक्ट करने में। देखो बिल्कुल कैसी बंदूक है, इतनी अच्छी। और अगर आपको स्नाइपर चलानी है तो स्नाइपर, अगर आप स्नाइपर हो अपनी टीम के तो ब्लू स्टैक यूज़ करो, ब्लू स्टैक से ज़्यादा फ़ायदा है स्नाइपर में, मैं बता रहा हूँ ब्लू स्टैक से ज़्यादा है। और अगर आपको स्नाइपर गूगल पे गेम्स में चलानी है तो AWM चलाओ, M2 भी भूल के भी मत चलाना, इतनी बेकार बंदूक चलती है ये, इतनी भारी है ये बिल्कुल आपकी मूवमेंट स्पीड गिरा देगी बिल्कुल, M2 भी अगर आप इसे चलाओगे, और ये ना ढंग से चलने की, AWM तो चल भी जाएगी लेकिन ये नहीं चल के देने की, M2 भी बिल्कुल भी ढंग से। तो
और आपको ऐसा करना है कि अगर ट्रेनिंग खेलोगे तो कैरेक्टर स्किल, रुको मैं अब कैरेक्टर स्किल की बारी है मेन चीज, चलो मैं लॉबी में चलता हूँ और आपको कैरेक्टर स्किल बताता हूँ। तो आपको गिल्ड वॉर चालू हुई, नहीं हम नहीं खेल रहे अभी, ये पांच ली इसे हटा के। अगर आपको प्रो बनना है तो अभी एक्टिव मत लो, क्योंकि आप ई से दबाओगे ना तो आप डब्ल्यू दबाओगे तो हाथ फिसल सकता है, तो ई पे लग जाएगा। तो पैसिव ले लो अभी सारी, एक तो ले लो हया तो, बंदा जितना आपको डैमेज करेगा उतना कम ही आपको डैमेज लगेगा। और आप ले सकते हैं बुलफ्रानी मैक्सिम की जगह मैं जोटा बता रहा हूँ, जोटा ले सकते हैं आप, क्योंकि जोटा से काम हो जाएगा, जोटा आपकी एचपी बढ़ाता रहेगा, तो ये भी ज़रूरी है। और हेडशॉट तो अभी आपको इतने लगने के नहीं, शुरुआत हो है दिन है ना, तो वुल्फ्रा की जगह ले लो। अगर आप राइफल चलाओगे तो लीला ले लो, ये डिक्रीज़ कर देगी सामने वाले की मूवमेंट स्पीड। और पेट में तो वैगर ही लेना है, और कुछ लेना भी मत, मेरी यही बात है। तो आपने एक कैरेक्टर स्किल भी ले रही, अब बेस्ट गेम मोड इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, बेस्ट गेम मोड है सीएस रैंक। अगर आपकी रैंक प्लेटिनम है या उससे कम है सीएस रैंक, अगर ऐसा है तो आपको गेम मोड के लिए सीएस रैंक जैसे मैंने बताया सी लेना है। और बीआर रैंक में तो जो मेरी रैंक है ना, आप डायमंड तक, हाँ डायमंड तक ले, आप बीआर रैंक में भी खेल सकते हो। अगर आपकी इससे ऊपर है तो थोड़ा बहुत लॉन वुल्फ में प्रैक्टिस करो, अगर इसमें आपको ज़्यादा इजी लगे मैं दो तीन मैच शुरुआत के, तो क्लैश स्क्वाड रैम्पेज यूनाइटेड न्यू मोड आया है इसी में खेल सकते हो। न्यू मोड तो आते रहते हैं, उनमें खेल लो। चलो अब मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ कैसे, कितना अच्छी तरीके से आपने देखा कितना अच्छा था। तो ये थी आपकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, अब अगर आप इन्हें दो तीन दिन फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी नहीं है कि आप पूरा प्रो प्लेयर बनोगे, लेकिन अगर आपने सही वे में मेहनत करी तो आप पक्का बनोगे, हाँ पक्का बनने वाले हो। और पहली एक लास्ट बात, गन स्किन डजेंट मैटर्स। बस अभी के लिए वीडियो को ही ख़त्म कर